हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स रिस्की जरूर है, लेकिन अगर आप हर महीने इन स्टॉक्स की कुछ क्वांटिटी बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स आपको बहुत बड़ा रिटर्न बना के दे सकते हैं। और 2020 में भी ये स्टॉक अपने करंट लेवल से आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन पांचों स्टॉक्स में जो मैं आपको बताने वाला हूं, बड़ा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। स्टॉक सजेस्ट किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सोचें कि डायरेक्ट हम 20,000 या 25,000 रुपए एक ही स्टॉक्स में लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी में अगर करेक्शन आया तो स्मॉल कैप के स्टॉक और मिड कैप के स्टॉक जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा करेक्शन आता है। तो इन पांचों स्टॉक्स को आपको एसआईपी में ही बाय करना है, ताकि हमेशा आपके पास मौका रहे कि जब भी इन स्टॉक्स में गिरावट आती है तब लोग आप क्या कर सकते हैं, तब आप ज्यादा क्वांटिटी में इन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, तभी इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। स्टॉक्स अच्छे हैं, नो डाउट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के देंगे, लेकिन किसी भी स्टॉक में ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ही एंट्री करते हैं और उसके बाद उस स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, तो उस समय आप पैनिक ना हो, इसके लिए आप स्टार्टिंग से ही एसआईपी में ही बाय कीजिए। चाहे आप कंपनी का एक शेयर एक महीने में एक ही बार बाय करें, लेकिन आपको एसआईपी में ही बाय करना है इन स्टॉक्स को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्टॉक से। आपको नाम दिख चुका होगा, अतुल लिमिटेड कंपनी है। 4,000 रुपए का भी प्राइस चल रहा है। पिछले सेशन की बात करें तो 46 रुपए ऊपर जो है क्लोजिंग हुआ है स्टॉक। एक महीने की बात करें तो नेगेटिव में रिटर्न दिया है, -2.46% का। ईयर टिल डेट की बात करें तो 16.66% का है। एक साल में भी 19% का रिटर्न बना के दिया है। तीन साल में लगभग पैसा जो है डबल के आसपास अपने इन्वेस्टर्स का करके दिया है स्टॉक ने। पांच साल में भी डबल से ऊपर किया है, और 10 साल की बात करें तो बहुत शानदार रिटर्न है, 4,724% का रिटर्न। छोटा रिटर्न नहीं होता, बहुत बड़ा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है इस कंपनी ने। और अगर आप इतना रिटर्न देने के बाद भी पीई की बात करें तो अभी भी इंडस्ट्री पीई से ये स्टॉक आपको सस्ते में अवेलेबल हो रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस कंपनी का एक स्टॉक हर महीने आप डेट डिसाइड कर लीजिए और बाय कर सकते हो। और मिड कैप की कंपनी है, अभी ग्रो होने का पोटेंशियल और भी है इस कंपनी में, तो अच्छा रिटर्न ये कंपनी आपको बना के दे सकती है। उसके अलावा बात करें, आप देखिए सुशील फाइनेंस ने इसका टारगेट दिया 5 दिसंबर को दिया है 4,422 का। तो हमें इसको देखते हुए क्या करना है, बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें एसआईपी में ही बाय करना है इस स्टॉक को, क्योंकि ये स्टॉक तो 4,422 से भी ऊपर जाने वाला है लॉन्ग टर्म में, जिस तरीके का इसका बिजनेस मॉडल है। तो आप लोग एसआईपी में ही बाय करें। सेकंड स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्राइट, 367 का प्राइस चल रहा है। पिछले सेशन की बात करें तो 3% से ऊपर की जो है क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। उसके बाद इंडस्ट्री पी के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक भी आपको अभी सस्ते में अवेलेबल हो रहा है, और बहुत शानदार कंपनी है। दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनी को अगर आप होल्ड करके रखते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया और होल्ड करके रखते हैं और कंटिन्यूसली बाय करते रहते हैं, तो ये कंपनी हमेशा आपको अच्छा रिटर्न बना के देगी। बस आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, पैनिक नहीं करना है। इस स्टॉक में करेक्शन भी आ जाए तो भी होल्ड करके रखना है, ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। स्मॉल कैप की कंपनी है और इसका भी बिजनेस बहुत शानदार है। तो दो कंपनी हमारी होगी केमिकल इंडस्ट्री से, और केमिकल कंपनी का आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि केमिकल कंपनी आपको कम टाइम में बड़ा रिटर्न बहुत इजीली बना के दे सकती है, अगर उनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो तो। और इन दोनों कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। और डेट टू इक्विटी रेशियो की भी बात करें तो 1 से कम है, डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांचों कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। उसके बाद अगर बात करें तीसरी कंपनी जो है रिलैक्सो फुटवियर्स, इस कंपनी को मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। 10 साल में अगर देखें तो देखिए 7,167% का रिटर्न है,
तीन साल में पैसा 200% का रिटर्न दिया है, एक साल में 71% का रिटर्न। आप देख सकते हैं एक साल पहले भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो 70% का रिटर्न कम नहीं होता। एक रिलैक्सो फुटवियर होगी, एक बजाज फाइनेंस कंपनी और है जो लार्ज कैप की कंपनी जरूर है, लेकिन उसको भी आप हर महीने अगर एक एक शेयर भी बाय करें तो वो कंपनी भी आपको बहुत शानदार रिटर्न बना के दे सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको केवल मिड कैप स्टॉक्स ही बताने वाला हूँ। केवल एक जो है दीपक नाइट्रेट था, उसको स्मॉल कैप स्टॉक को सजेस्ट किया है, अदरवाइज सारे मिड कैप स्टॉक है। अगर हम इसका देखें तो इंडस्ट्री पी से इसका पी बहुत ज्यादा है, तो इसमें भूल से भी आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसमें आप क्या करें, दो दो तीन तीन शेयर करके बाय करते रहिए, और जब भी करेक्शन आए तब और ज्यादा क्वांटिटी बाय कीजिए। और अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप लोग 5 शेयर की SIP भी इस स्टॉक में कर सकते हैं हर महीने। उसके बाद बात करें तो आवाज फाइनेंशियर्स, बहुत से लोग आपको बोलते होंगे करोड़ों में रुपए बना के देगा, और ये स्टॉक आपको बहुत बड़ा रिटर्न बना के दे सकता है, नो डाउट, लेकिन अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। तो गलती से भी गलती ना करें कि आप लोग सोचे कि 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए एक साथ इस स्टॉक में लगा देते हैं, बहुत शानदार रिटर्न हमें मिल जाएगा। आपको इस स्टॉक का अभी प्रेजेंट अगर बात करें प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से तो एक एक शेयर ही SIP में बाय करना है। करेक्शन होगा तो आपको मेरे इस चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मैं आपको टाइम टू टाइम हर स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मैं आपको लेवल्स बताता रहता हूँ कि किन लेवल्स पर आपको ज्यादा क्वांटिटी इस स्टॉक की बाय करनी चाहिए। सारे स्टॉक्स के लगभग अपडेट आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप लोग जो है वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। लॉन्ग टर्म में ये सारे स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। एक साल की बात करें तो जस्ट पैसा डबल कर दिया है, ईयर टिल डेट में भी डबल कर दिया है, एक महीने में भी 7% का रिटर्न दिया है, लेकिन 1 वीक से थोड़ा सा ये स्टॉक डाउन है। और इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा ये स्टॉक महंगा है, बिजनेस की ग्रोथ अच्छी है। बजाज फाइनेंस जैसा ये स्टॉक है बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकता है, लेकिन इस स्टॉक में करेक्शन जरूर आएगा, तो आप लोग एक एक शेयर ही इस कंपनी का बाय कीजिएगा, बड़ा अमाउंट बिल्कुल भी मत लगाइएगा प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मिंडा इंडस्ट्रीज, बहुत शानदार स्टॉक है ये, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है, 10 साल में भी अच्छा रिटर्न है, 1 ईयर में देखें तो लगभग देखें तो 9.5% के आसपास ही रिटर्न दिया है, स्टॉक मार्केट के हिसाब से ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं है। तो इस स्टॉक का अगर देखें तो एक साल पहले और अभी की वैल्यू लगभग जो है देखें तो सेम है, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में आपके जरूर होना चाहिए। इस स्टॉक की कम से कम आप 5 से 10 क्वांटिटी हर महीने बाय कीजिए, और जब भी गिरावट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी है वहां पर मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो आप लोग वहां पर अपनी पर्सनल क्वेरी भी आस्क कर सकते हैं, और मैं आपको लगभग जो है 1 या 2 घंटे में ही इंस्टेंट रिप्लाई कर देता हूँ, वो लेवल्स आपको बता देता हूँ, और कोई काम होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको बाद में ये लेवल्स बता दूंगा, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। स्टॉक्स का अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको जेन्युइनली लेवल्स बताता हूँ कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है। उसके बाद अगर देखिए तो मार्केट कैप का देखें, ये भी मिड कैप की कंपनी है, इंडस्ट्री पी के हिसाब से ये स्टॉक तो आपको बहुत सस्ते में अभी अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 2020 में ही बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है। तो ये हो गई हमारी टोटल 5 कंपनी, और भी बहुत सारी अच्छी कंपनी है, उसको हम दूसरे वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं, लेकिन इन 5 कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में डालकर रखिए। अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप लोग इसको ट्रैक कीजिए 5 या 10 दिन किस तरीके से मूवमेंट दे रही है, और फंडामेंटल सभी कंपनी के अच्छे हैं, सभी कंपनीज की वेबसाइट पर जाइए, इनके क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, क्या प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही है,
किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीजें आप देखिए और फंडामेंटल जरूर देखिए। मैंने तो चेक कर लिया, लेकिन आप भी चेक कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आपका पैसा है, तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी में आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। इस तरीके का अगर कॉन्फिडेंस रखकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप पैनिक नहीं होंगे, जब भी करेक्शन आएगा स्टॉक में आप ज्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाया जाता है, एक दिन में पैसा नहीं बनता है इन्वेस्टमेंट में, उसके लिए टाइम लगता है और कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म में आता है, जिससे आपकी वेल्थ बड़ी बनती है। तो ये हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।